स्वागत है आपका जॉब सिंह के डेली में और मैं हरदयाल सिंह लेके आया हूँ आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस जो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक की यानी कि लाभ हानि ये टॉपिक हम लेके आए हैं और अर्थमेटिक का ये काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज का भी इस टॉपिक में काफी यूज होगा और उन्हीं का यूज करते हुए हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या टर्म्स हम काम में लेने वाले हैं, यानी कि हम देखेंगे पहले कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। अब देखिए इसको इंट्रोडक्शन में क्या कि हम एक तो सीपी डिस्कस करेंगे कि सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, एसपी क्या होता है यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, और सेलिंग प्राइस के साथ उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट जो है उसका प्रॉफिट परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और लॉस अगर गिवन है तो हम लॉस परसेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये वर्ड लेता हूँ सीपी। देखिए सीपी क्या होता है, सीपी बोलते हैं क्रय मूल्य को, ठीक है। तो ये होता है क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्रय मूल्य वो मूल्य होता है या वो रेट होती है जिसपे हम कोई चीज खरीदते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये होता है परचेजिंग रेट। परचेजिंग रेट जिसपे हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं वो हो गया अपना क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस। आगे हम पूरे चैप्टर में इसको सीपी ही बोलेंगे, ओके, क्योंकि ये कंफर्टेबल होता है बोलने में। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं एसपी। देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है, ओके, तो ये है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये है सेलिंग प्राइस। आगे हम इसको बोलेंगे एसपी। अब सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है कि जिस रेट पे हम कोई आर्टिकल या किसी भी वस्तु को बेच देते हैं वो होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग का मतलब यही है बेचना, कि जिस रेट पे हम बेचेंगे वो अपना सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब इस क्रय मूल्य जो है इसके अंदर क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर भी इसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर हम बोले कि एक टीवी जो है वो 10,000 रुपए में खरीदा गया, एक टीवी अगर 10,000 रुपए में खरीदा गया प्लस उसके अंदर 200 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, मतलब बाजार से या शॉप से लेके आने में 200 रुपए लग गया, तो उसका जो ओरिजिनल क्रय मूल्य होगा वो आपका कितना हो जाएगा, 10,200 हो जाएगा। तो ये होती है टोटल लागत। इसलिए क्रय मूल्य को हम क्या बोल देते हैं, क्रय मूल्य को लागत मूल्य भी हम बोल देते हैं, इसको हम लागत मूल्य भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर जैसे रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया, वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड होती है। अब देखिए ये हो गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट और लॉस क्या है। जब भी हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जहां पे भी होगा कोई वस्तु खरीदेंगे और बेचेंगे तो उसमें हमेशा प्रॉफिट और लॉस तो होता ही है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ, यह है प्रॉफिट और लाभ। तो प्रॉफिट देखिए किसी अगर हम कोई आर्टिकल जो है उसको खरीदते हैं और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तब हमें प्रॉफिट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि सीपी से ज्यादा अगर हमारा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हम यहां से निकालेंगे कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, प्रॉफिट इक्वल्स टू होगा एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य, यह है विक्रय मूल्य और यह है क्रय मूल्य। तो हम यहां से करेंगे कि एसपी माइनस सीपी, यह हमारे पास आ गया प्रॉफिट का फॉर्मूला कि एसपी माइनस सीपी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब एग्जाम में या फिर
क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसका परसेंट कैलकुलेट करेंगे कि परसेंट या प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर तो प्रॉफिट ही लिखेंगे, प्रॉफिट या लाभ, तो ऊपर हमने लाभ लिखा। अब जब भी हम प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि दोनों के दोनों सीपी पे होते हैं, मतलब कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, लागत मूल्य पे होते हैं। तो हमेशा नीचे यहां पे सीपी आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, तो हम यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। अब परसेंटेज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी चीज को अगर हम परसेंट में चेंज कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये हो गया 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया एक तरह से प्रतिशत प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इसी तरह से हम अब डिस्कस करेंगे लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे या लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा। इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम आगे इस चैप्टर में बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं लॉस परसेंट। तो ये है लॉस या फिर हानि। अब किसी आर्टिकल पे हानि कब होगा, अगर हम कोई वस्तु को खरीदते हैं, किसी वस्तु को खरीदा, वो हो गया उसका सीपी यानी कि क्रय मूल्य है, और उसको कम में बेच दिया, सीपी से अगर कम में बेच दिया, सेलिंग प्राइस उसका कम हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो हम यहां से देख रहे हैं कि अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो हमें हानि होगी। अगर हम खरीद के उसको कम में बेच देते हैं लागत मूल्य से तो हमें हानि होती है। तो यहां से हानि का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, लॉस इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा सीपी, यहां पे ज्यादा है तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया लॉस का। अब वैसे ही हमें क्या करेंगे, इसका लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे, जैसे हमें प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट किया था, तो हम लॉस परसेंट या प्रतिशत हानि कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होगा, लॉस होगा ऊपर या हानि, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि लॉस और प्रॉफिट दोनों किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे होते हैं। तो नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हम क्रय मूल्य लिखेंगे, तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य या फिर सीपी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास एक लॉस परसेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया सीधा सा। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे, हम डायरेक्ट ये कैलकुलेट मतलब ये फॉर्मूला पुट नहीं करेंगे एग्जाम में, क्योंकि हमें फास्ट करना है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, वहां पे सीपी माइनस एसपी कर देंगे, और परसेंट कैलकुलेट करने के लिए लॉस परसेंट कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर लिखेंगे लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई में 100। अगर प्रतिशत प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, नीचे सीपी लिखेंगे और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे 100। तो यही है सिंपल फॉर्मूले, और इनको हम यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं हम एक बेसिक से क्वेश्चन। अब हम इस पे बेसिक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए इसका टाइप, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो फ्रैक्शन में वैल्यू गिवन हो, फ्रैक्शन में अगर हमें गिवन हो कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो फ्रैक्शन है वो ये है, तो उस पे लॉस या प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट दीजिए। तो टाइप फर्स्ट का हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बेसिक सा है बिल्कुल। यदि किसी वस्तु का
क्रय मूल्य है, उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ या फिर हानि जो भी होगा, लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो यह है बिल्कुल सा एक बिल्कुल ही सिंपल सा एक क्वेश्चन, जहां पे मैं जो डेटा गिवन है वो फ्रैक्शन में गिवन है, हमें एक तरह से रेशियो गिवन है, और यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट यही इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं कर लेंगे कि एक तो हमें अगर रेशियो गिवन हो सीपी और एसपी का तो हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और इस तरह से गिवन हो तो कैसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो अगर मैं मान लूं कि विक्रय मूल्य क्या है, देखिए ये फ्रैक्शन है 8/5, इस 5 को नीचे से हटाने के लिए मैं क्या कर लेता हूं, इस विक्रय मूल्य को ये 5 ही मान लेता हूं, या 5 का कोई भी मल्टीपल ले सकते हैं 10, बट हमें फ्रैक्शन में चलने के लिए क्या करना होगा, नीचे वाली जो वैल्यू है वही आप एज्यूम कर लो कि विक्रय मूल्य हम इसका क्या मान लेंगे, 5 मान लेंगे, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है, सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। अब ये सीपी क्या होगा, देखिए क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, और विक्रय मूल्य हमने 5 मान लिया, तो इस 5 का क्या है वो 8/5 गुना है, तो अब ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू 8। हम यहां कह देंगे कि क्रय मूल्य जो है वो 8 है, विक्रय मूल्य 5 है। अब यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है कि क्रय मूल्य तो 8 है और विक्रय मूल्य उसका 5 है, मतलब खरीदा तो उसने 8 में, बेचा उसने कितने में, 5 में, तो उसको लॉस हो रहा है, और लॉस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने क्या निकाला था कि सीपी माइनस एसपी, और वो अगर यहाँ पे करेंगे सीपी माइनस एसपी तो 8 माइनस क्या हो जाएगा 5 बराबर 3। अब परसेंट लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, परसेंट लॉस के लिए ऊपर क्या लिखते हैं, लॉस, ठीक है, तो लॉस है 3, कितने पे है सीपी लिखते हैं नीचे, तो देखिए सीपी क्या है, ये रहा 8, परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब हमें ये नहीं करना है क्योंकि हमें पता है 3/8 कितना होता है, 37 1/2 होता है, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे 37 1/2%, तो इतना उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। अब इस क्वेश्चन को ये तो था बेसिक मेथड कि कैसे सॉल्यूशन करते हैं, डायरेक्ट कैसे करना है वो देखिए, डायरेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये लिखा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो ये फ्रैक्शन लिया हमने, यहां पे लिखा है कि क्रय मूल्य 8/5 गुना है, तो ये तो हो गया क्या, ठीक है, ये तो हो जाएगा क्रय मूल्य सीपी और ये हो जाएगा एसपी इस फ्रैक्शन से सीधा सीधा। यहां से देख लीजिए कि सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया, 8/5 का रेशियो आ गया, लॉस कितने का हो रहा है, 3 का, ठीक है, बटे किस पे हो रहा है, सीपी पे, 8। अब 3/8 को अगर परसेंट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, 37 1/2%, ठीक है, तो आप बिल्कुल इजीली इसी तरह से कर सकते हैं, यहां से बस ये फ्रैक्शन देखिए और सीधा ये वाले टर्म देखिए, आपका आंसर होगा, ये है बिल्कुल उसका बेसिक। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में ये है कि यहां पे दिया हुआ था फ्रैक्शन, अब वो क्वेश्चन को सीधा यहां से भी दे सकता है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को वो क्या दे सकता है, इस क्वेश्चन में यहां पे लिख देता वो कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जो है उनका अनुपात दे देता कि सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो अगर 8:5 है तो इस क्वेश्चन में लाभ या ये हानि कैलकुलेट करिए, तो बस ये आप हटा दो यहां से, और यहां से सीधा क्वेश्चन हो जाएगा सीपी और एसपी का रेशियो गिवन है, आगे सीधा कैलकुलेट कर लीजिए। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे वो क्या है, इस क्वेश्चन में जो लॉस हुआ वो 37 1/2 था, ये बिल्कुल एक बेसिक प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन। अब यहां पे डेटा जो थे वो फ्रैक्शन में गिवन थे,
हमने ये भी देख लिया कि अगर रेशियो में गिवन होगा तो कैसे सोल्व करेंगे। अब अगर इसी क्वेश्चन के अंदर डेटा जो है परसेंट में ही गिवन हो कि देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 120% है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, वही लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है भाई, ये अपने पास क्वेश्चन है। अब ये डेटा जो था वो परसेंट में गिवन है। अब परसेंट में गिवन है तो भी कोई अपने प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेटा अगर रेशियो में गिवन है और फ्रैक्शन गिवन है वो हमने डिस्कस कर लिया। तो एक तरह से ये क्या है, हमने डिस्कस किया था कि परसेंटेज एक क्या है, फ्रैक्शन ही तो है। तो इसको देखिए, सीपी और एसपी का हम रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 120% है। तो मैं ये मान लूं कि क्रय मूल्य क्या है, 100 है। अगर हम मैं क्रय मूल्य को 100 मान लूं कि क्रय मूल्य 100 है, तो विक्रय मूल्य क्या उसका 120% है। तो 100 का 120% क्या होगा, 120 ही तो होगा, तो 100 का 120% कितना होगा, 120 होगा। अब ये सिंपल क्या आ गया, वही रेशियो आ गया। कितना क्या कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज कितना प्रॉफिट होगा वो देखिए। ठीक है, अब इस पर हमें निकालना है लाभ या हानि। तो देखिए, सीपी कम है और एसपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या, 100 वाली चीज 120 में बेच दी उसने, ठीक है, 100 में परचेज किया, सेल कर दिया 120 में, इसका मतलब उसको प्रॉफिट कितने का हुआ। ठीक है, यहां लिखता हूं प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हो गया एसपी माइनस सीपी, यानी कि 120 माइनस 100 20 का हो गया। ठीक है, ये प्रॉफिट है। अब इसको परसेंट में कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सीपी नीचे लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, सीपी पे। अब यहां से सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो, 1/5 या 100 पे जो भी वैल्यू होती है वो उतना ही परसेंट में हो जाती है कन्वर्ट। तो ये 20% आ गया, या परसेंट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई करोगे 100 से, ये इससे कैंसिल कर देगा, इसको बचेगा 20%। या सीधा सीधा 100 पे कैलकुलेट हो रहा है तो वैल्यू 20% आएगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बेसिक सा क्वेश्चन। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं क्या है। अब हमने ये दोनों क्वेश्चन देखे थे प्रॉफिट और लॉस पे, कि परसेंट प्रॉफिट निकालिए, परसेंट लॉस निकालिए। अब हम जो दोनों क्वेश्चन आगे डिस्कस करेंगे वो किसके होंगे, वो होंगे सीपी निकालना या फिर एसपी निकालना। तो सीपी या एसपी निकालना देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन है किसी वस्तु को, ये आप टाइप टू का क्वेश्चन डाल लीजिए, क्योंकि वो टाइप टू में दो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए, तो टाइप टू ये आ गया। किसी वस्तु को 880 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 880 रुपए में बेचने पर 11/9% का की हानि होती है। ठीक है, कि हानि होती है, तो उसी वस्तु को 9/11% लाभ पर बेचने के लिए इतने परसेंट लाभ पर बेचने के लिए उसका
विक्रय मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन है भाई, कि किसी वस्तु को 880 रुपए बेचने पर उसको क्या हुआ, 11/9% का लॉस हो गया। अब उसी वस्तु को 9/11% प्रॉफिट पे बेचना है तो बताइए कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन एसपी और सीबी कैलकुलेट करने का है। पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, उसके बाद बिल्कुल वन लाइनर जो मेथड होगा वो देखेंगे। तो ये फ्रैक्शन उठाएंगे, जब भी हमें फ्रैक्शन या परसेंट अगर गिवन हो तो वो उठाएंगे। तो परसेंट हमें गिवन है 11/9%, ये 11/9। अब आपको पता है कि ये क्या है, 1/9, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है। 11/9 = 99 + 100 को हटाने के लिए डिवाइड में 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह से क्या होगा, 100/9 है। परसेंट में ये परसेंट की वैल्यू इसको हटाएंगे तो डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा, ये कट जाएगा 1/9। परसेंटेज में हम ये फ्रैक्शन डिस्कस कर चुके हैं तो ये 1/9 बनेगा। अब देखिए 9 और ये लॉस है। पहले तो मैं इसको हम फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। देखिए परसेंट लॉस का जो फॉर्मूला था वो क्या था अपने पास, वो था लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने ये फॉर्मूला देखा था। अब यहाँ पे देखिए यदि गिवन है आपको परसेंट लॉस या ये फ्रैक्शन गिवन है तो देखिए ये सीपी है, इसका मतलब ये सीपी को डिनोट करेगा, ये लॉस है तो ये लॉस को डिनोट करेगा। ठीक है, ये तो 100% में चेंज करने के लिए है। तो ये आपने देखा कि नीचे वाले जो चीज है, जब भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो जो नीचे वाली चीज है वो किसको डिनोट करेगी, सीपी को, क्योंकि हमें पता है कि प्रॉफिट और लॉस सीपी पे होते हैं कैलकुलेट। ऊपर वाली चीज जो है वो लॉस और प्रॉफिट दोनों को कैलकुलेट डिनोट करती है। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट दोनों को डिनोट करती है, बट यहाँ पे लॉस हो रहा है तो हम लॉस ही लेके चलेंगे। ठीक है, आप देखिए 9 वाली चीज है, कोई 9 रुपए में खरीदी, उस पर 1 रुपए का लॉस हो रहा है, इसका मतलब उसको बेचा कितने में। यहां से अगर मैं निकालू सीपी और एसपी का रेशियो निकालू तो सीपी कितना है, 9 है, लॉस हो रहा है 1 का मतलब 8 उसका एसपी हो जाएगा कि 9 वाली चीज उसने 8 में बेची तभी तो 1 रुपए का लॉस होगा 1 का। ठीक है, 1 यूनिट का उसको लॉस हो गया। अब यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है 880 रुपए में बेच रहा है, इसका मतलब ये सेलिंग प्राइस है उसका। ठीक है, तो हम पहले निकालेंगे उसका सीपी, तो ये सेलिंग प्राइस भी मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना सेलिंग प्राइस कितना है, 8 है। तो हम ये कह सकते हैं कि 8 जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, 8 जो है वो 880 को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 1 कितने को डिनोट करेगा, 880/8। इसी तरह से फिर हमें सीपी कैलकुलेट करना है तो 9 किसको डिनोट करेगा, 9 डिनोट करेगा 880/8×9। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक ले रहे हैं हम। आप ये देखिए 110 और ये हो जाएगा 990, 990 रुपए क्या हो गया उसका, ये उसका सीपी आ गया, ओरिजिनल जो एक्चुअल सीपी है वो 990 रुपए आ गया इस वस्तु का। आप देखिए वो बोल रहे हैं कि इसको हमें बेचना कितने में है, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचना है। तो देखिए यहाँ पे वापस इस फ्रैक्शन को हम लेंगे, ये फ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं, 9/11%, इसका मतलब 1/11 होता है। बेसिक मेथड से आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे क्या बनेगा, सीपी और एसपी का रेशियो यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए सीपी एसपी का रेशियो, ये सीपी को डिनोट करेगा, ऊपर वाला अभी प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट को डिनोट कर रहा है, तो 11 सीपी है और उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 यूनिट का, इसका मतलब उसने 12 में उसको बेचा होगा, 11 वाले को 12 में बेचा होगा तभी 1 का प्रॉफिट होगा। अब यहां से देखिए, यहां मैं निकालना क्या है, एसपी निकालना है, विक्रय मूल्य, तो ये रहा एसपी, ये हमें गिवन है सीपी, तो हम ये बोलेंगे कि सीपी हमारा 11 है वो किसको डिनोट करेगा, 990 को, तो 1 किसको डिनोट करेगा, 990/11 को, और 12 किसको डिनोट करेगा फिर, 990/11×12। इसको सोल्व कर लेंगे, 11/9, 9 जा 90, 1080। ठीक है, तो ये आ गया उसका सीपी, मतलब अगर उस वस्तु पर उसको 9/11% का प्रॉफिट चाहिए
तो उसको 1080 यानी 1080 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। अब देखिए ये तो हो गया कल बिल्कुल बेसिक मेथड। अब उसका वन लाइनर कैसे करेंगे वो देखिए, हमें ये गिवन है 880, तो आप 880 लिखिए। अब हमने पहले के क्या कैलकुलेट किया है इसका सीपी, क्योंकि जब तक सीपी नहीं कैलकुलेट करेंगे तब उसका दूसरा एसपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सीपी कैलकुलेट करना है, तो जो कैलकुलेट करना है वो ऊपर लिखिए। इस रेशियो के अकॉर्डिंग क्या बन रहा है सीपी 9 और 8 क्या बन रहा है, 8 बन रहा है सेलिंग प्राइस, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9/8 से, ऊपर वो रहेगा जो अभी कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये तो उसका क्या आ गया सीपी आ गया वस्तु का। अब इस सीपी से हम क्या निकालेंगे नेक्स्ट उसका एसपी यानी उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहां से 12 और 11 का रेशियो बन रहा है, निकालना क्या है ये एसपी निकालना है, तो एसपी को ऊपर लिखेंगे 12/11। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यही इक्वेशन और आंसर क्या रहेगा, तो ये बिल्कुल वन लाइनर है, जो निकालना है वो चीज ऊपर रखेंगे और दूसरा नीचे। तो ये क्वेश्चन है जहां पे हम विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में आप कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इसका। तो नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, ये हमारा टाइप टू का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। काफी मतलब अच्छा क्वेश्चन था ये, जहां पे हमने सीपी और एसपी दोनों कैलकुलेट कर लिए। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है कि किसी भी आर्टिकल को वो समान मूल्य पर बेचता है, कोई दो आर्टिकल खरीदेगा और उनको समान मूल्य पर बेचेगा, तो हमें कैलकुलेट करने होंगे प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो अब टाइप टू हमारा कंप्लीट हो चुका है, टाइप थ्री पे हम चलते हैं। देखिए टाइप थ्री का क्वेश्चन ये बोलेगा, एक व्यापारी दो टीवी सेट या दो टीवी सेट बराबर मूल्य पर बेचता है। ठीक है, दो टीवी सेट है वो बराबर मूल्य पर बेचता है यदि एक पर उसे यदि उसे एक पर 20% का लॉस तथा दूसरे पर 20% की प्रॉफिट या 20% का लाभ हुआ हो, ठीक है, एक को बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया, दूसरे को बेचा तो उसको 20% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो पूरे सौदे का या पूरी डील का नतीजा क्या रहा, तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है अपने पास सेकंड थर्ड टाइप। दो टीवी सेट है दोनों बराबर रेट पे बेच रहा है, एक पे उसको हो रहा है लॉस 20%, दूसरे पे उसको हो रहा है प्रॉफिट वो भी 20%, तो बोल रहा है पूरे सौदे में यानी दोनों को बेचा था ओवरऑल उसको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ और कितना हुआ वो हमें कैलकुलेट करना है। तो एक तो मैं पहले आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी वस्तु को बराबर मूल्य पे वो बेच रहा है और दोनों डेटा सेम है 20% और यहां पे भी 20% यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों के डेटा अगर सेम है तो हमेशा ही पूरे सौदे में लॉस होता है, हमेशा ही क्या होता है लॉस होता है, कैसे होता है वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है वो कैलकुलेट कर लीजिए कि नेट प्रॉफिट और लॉस, पूरे सौदे का जो नेट प्रॉफिट या लॉस हुआ उसके लिए एक फॉर्मूला है वो क्या है
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। भाई अपने पास ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले में क्या है, एक्स क्या है, एक्स तो है वही प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, और वाई भी क्या है, प्रॉफिट और लॉस, या तो वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब अगर हमें ये डेटा गिवन है और यहां पे लॉस अगर हमें गिवन होगा, लॉस अगर गिवन होगा तो उसके लिए हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। जैसे यहां पे अगर हमें 20% लॉस दिया है तो ये वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन को यूज करते हुए रखना है। तो देखिए एक बार वैल्यू पुट करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि दोनों डेटा अगर सेम हो तो लॉस होता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं लॉस। एक्स का वैल्यू क्या है, 20% लॉस हो रहा है तो हम माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये प्रॉफिट हो रहा है, वाई के लिए 20 वैल्यू है इसकी, तो वाई 20 पुट कर देंगे, प्लस एक्स, एक्स का वैल्यू वापस माइनस 20, वाई का वैल्यू 20 अपॉन 100। देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस है ये प्लस है, ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर यानी 400, वो भी माइनस का क्योंकि ये माइनस साइन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस 400/100 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4। माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा है, लॉस को। इसका मतलब क्या हुआ, 4%, 4% क्या हो गया उसको, लॉस हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन किसको डिनोट कर रहा था, लॉस को डिनोट कर रहा था, क्योंकि हमने माइनस साइन ही लिया है लॉस के साथ, तो माइनस लॉस को डिनोट कर रहा है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, जब ये दोनों डेटा सेम थे तो ये तो कैंसिल आउट भी हो गया अपने आप, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो इसके लिए एक अलग से फॉर्मूला निकल के आता है। फिर वो फॉर्मूला देखिए क्या, अगर दोनों डेटा सेम है तो हमेशा लॉस होगा, ठीक है। और फॉर्मूला सीधा आप पुट कर दीजिए, लॉस इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 100, ये फॉर्मूला बन जाएगा लॉस परसेंट का, अगर दोनों डेटा सेम है। अगर दोनों डेटा सेम है, अगर ये दोनों डेटा सेम है 20% और 20%, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख देंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 100। तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा, और 100 से डिवाइड करेंगे 4, वो 4 क्या हो जाएगा, लॉस, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, और अगर कहीं पे लॉस हो रहा है तो नेगेटिव साइन यूज करते हुए चलेंगे। अब हम इसके अंदर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब ये हो गया कि समान मूल्य पे बेच रहा था, अब अगर खरीद रहा हो तो क्या होगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट टाइप में आगे एक दो टाइप में डिस्कस करेंगे, जब वो बराबर मूल्य पे दो आर्टिकल खरीदता है तो क्या होता है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे। सभी को समझ आ रहा होगा, टाइप 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस। टाइप वाइज सभी क्वेश्चन जितने भी टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस में बनते हैं वो सब हम देखेंगे, सभी टॉप चैप्टर्स के, प्रॉफिट और लॉस के ही नहीं बाकी सभी चैप्टर्स जो हैं उन सब के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं टाइप वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो 3 और टाइप ये 4 हो गया, ठीक है। अब इसको इस टाइप में क्या होगा, 2250 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर है लाभ हानि
बताएं तो प्रतिशत लाभ हानि बताएं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये डेटा गिवन है 2250, तो ये हम एज इट इज लिखेंगे 2250। इसका क्या है विक्रय मूल्य, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, तो एसपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बराबर है किसके, ये बराबर है 2500 पुस्तकों के क्रय मूल्य के, तो सीपी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे, तो सीपी को नीचे रखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, तो हम सीपी को इसमें नीचे रखेंगे, एसपी को इधर भेजेंगे, ठीक है। तो ये हम लिख देते हैं कि 2250, ये वाली टर्म जो है वो इधर आएगी 2500, ये बन जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, अगर हम सीपी को नीचे रख रहे हैं तो सीपी इधर आएगा, तो एसपी अपॉन सीपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 बटे ये बन जाएगा, ठीक है। ये इसको सोल्व करने पे बना, अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 25 से इसको कैंसिल कर दो, तो 10 जा और 9 जा, ठीक है। तो अब हम ये देखिए रेशो बन रहा है, सीपी और एसपी का रेशो 9 और 10 बन रहा है, मतलब सीपी अगर 9 है और एसपी 10 है तो प्रॉफिट कितने का हो गया भाई, सीपी एसपी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हो कितने का रहा है, 10 माइनस 9 यानी 1 का हो रहा है, अपॉन क्या होता है, नीचे जब भी परसेंट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो सीपी आता है, तो सीपी क्या है 9 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/9 का मतलब क्या होता है 11 1/9%, या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ओवरऑल उसको इतने परसेंट का प्रॉफिट हो गया इस क्वेश्चन में। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए आप इनकी एक्सरसाइज कीजिए, धन्यवाद।